जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं राधाष्टमी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को राधाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधाष्टमी का व्रत, जो कि यह व्रत हर वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधाष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन राधा रानी के जन्मोत्सव के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिनों के बाद अष्टमी को ही राधा जी का जन्म हुआ था। इस दिन राधा जी का विशेष पूजन करने से अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है और इस लोक में और परलोक में सुख को देने वाला है। मनुष्य व्रत का रहस्य अगर इस व्रत को करता है तो वह जान लेता है और फिर राधा परिकरों में निवास करता है। राधा अष्टमी के दिन चाहिए कि इस दिन जो भी व्रत रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि इस दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अगर गंगा नदी में स्नान ना कर पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए विशेष प्रकार से दोपहर के समय में ही राधा रानी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। साथ में भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से, क्योंकि श्री कृष्ण के पूजन के बिना राधा जी की पूजा अधूरी होती है। कहा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद राधाष्टमी का व्रत रखना भी जरूरी होता है। मान्यता है कि जिस तरह राधा के बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं, उसी तरह राधा अष्टमी के व्रत के बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए राधा अष्टमी के दिन राधा और कृष्ण दोनों की पूजा करनी चाहिए। राधा अष्टमी के दिन पूजा और व्रत करने से व्यक्ति सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस दिन चाहिए पूजन के लिए कि एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ पे एक मंडप बनाए और उस मंडप के बीच में मिट्टी या तांबे का शुद्ध पात्र रख करके कलश को स्थापित करे और इस दिन राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की स्वर्णमयी प्रतिमा या मिट्टी की प्रतिमा या फोटो आदि रख करके इनका पूरे विधि विधान के साथ श्रद्धा भक्ति भाव के साथ पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं राधाष्टमी व्रत की कथा। अगर आप राधाष्टमी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं राधाष्टमी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। राधाष्टमी कथा के अनुसार राधा माता, जो कि गोलोक में श्री कृष्ण के साथ रहती थी, एक बार श्री कृष्ण भगवान को गोलोक में राधा रानी कहीं नजर नहीं आई। कुछ देर बाद कन्हैया अपने सखी विराजा के साथ घूमने चले गए। यह बात जब राधा रानी को मालूम हुई तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वो सीधे कन्हैया के पास पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण को काफी भला और बुरा कहा। राधा रानी का यह रवैया भगवान कृष्ण के प्यारे मित्र श्री दामा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। श्री दामा ने उसी वक्त बिना कुछ सोचे समझे राधा रानी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी नदी के रूप में वहां से चली गई। राधा ने श्री दामा से श्राप पाने के बाद उन्हें राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दे दिया। राधा जी द्वारा दिए गए श्राप की वजह से ही श्री दामा का जन्म, जो कि शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ। आगे चलकर वही दानव भगवान विष्णु का परम भक्त बना। दूसरी तरफ राधा रानी ने पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। राधा रानी का जन्म वृषभानु जी के घर तो हुआ, लेकिन उनकी पत्नी देवी कृति के गर्भ से नहीं। दरअसल जिस समय राधा मैया और श्री दामा ने एक दूसरे को श्राप दिया था,
तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि राधा आपको वृषभानु जी और देवी कृति की पुत्री बनकर पृथ्वी पर रहना होगा। मनुष्य के अवतार में आपका एक वैश्य से विवाह होगा, वो मेरे अंशावतारों में से एक होगा। इस तरह आप पृथ्वी पर भी मेरी ही बनकर रहेंगे, परंतु हम दोनों को बिछड़ने का दुख सहना होगा। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान ने राधा जी को मनुष्य योनि के रूप में जन्म लेने की तैयारी करने के लिए कहा। संसार के सामने वृषभानु जी की पत्नी गर्भवती हुई। जिस तरह एक बच्चा दुनिया में आता है, ठीक वैसे ही देवी कीर्ति का भी प्रसव हुआ था, लेकिन असल में राधा माता का जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। भगवान की माया से उसके गर्भ में वायु भर दी गई थी। देवी कीर्ति ने उसी वायु को जन्म दिया। उस दौरान उन्हें प्रसव पीड़ा हो रही थी। वहाँ राधा माता के रूप में एक प्यारी सी कन्या ने जन्म लिया। और फिर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा मैया का धरती पर अवतरण हुआ था। तभी से हर साल हर वर्ष इस दिन को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ, भक्ति भाव के साथ राधाष्टमी के दिन इस दिन राधा और कृष्ण का पूजन करते हैं, उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो भी व्रत करने वाले हैं, उन्हें व्रत के दिन नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत वाले दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस व्रत में भी और इस कथा में भी क्रोध के ऊपर कहानी बताई गई है। क्रोध के कारण ही एक दूसरे को दोनों ने श्राप दिया था, जिस कारण से एक को राक्षस योनि में जाना पड़ा तो दूसरे को मानव रूप में धरती पर उत्पन्न होना पड़ा था। इस कारण से व्रत के दौरान व्यक्ति को क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्थिर रहना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का त्याग करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए, धर्म का आचरण करते हुए, जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इस दिन पूजन में राधा माता का पूर्ण 16 श्रृंगार करके इनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जल, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। फिर दूसरे दिन सुवासिनी स्त्रियों को भोजन कराकर और मूर्ति को दान करने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत की समाप्ति करनी चाहिए। इस प्रकार जो भी भक्त विधि पूर्वक श्रद्धा से यह व्रत करने पर मनुष्य योनियों से मुक्त हो जाते हैं एवं इस लोक और परलोक में सुख को पाते हैं। मनुष्य व्रत का रहस्य जान लेता है और फिर राधा परिकरों में निवास करता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।